हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सिल्वरस्टोन की तरफ से उनका न्यूली लॉन्च गेमिंग कैबिनेट फेरा 512। एंड ये जो गेमिंग कैबिनेट है ये आता है 3 प्री इंस्टॉल्ड RGB फैंस के साथ में, वर्टिकल GPU माउंट सपोर्टेड, इवनली 360mm तक का एक लिक्विड कूलर सपोर्ट करता है। तो आगे वीडियो में जानते हैं इसके बारे में और एंड मैं अपनी वीडियो को करता हूँ स्टार्ट अनबॉक्सिंग से। तो फेरा 512 गेमिंग कैबिनेट के साथ में यहाँ पर जो उसका बैक साइड है, इस पैनल के पीछे यहाँ पर हमको एक प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर हमें हब मिलती है। इसके अंदर यहाँ पर हम टोटल 4 फैंस को लगा सकते हैं, यानी कि 4 फैंस को हम पावर दे पाएंगे। उसके साथ में यहाँ पर हम 4 ARGB हेडर भी मिलते हैं, जिससे कि आप अपने मदरबोर्ड के थ्रू सिंगल इस हब को कंट्रोल करो और बाकी सब चीज़ें सिंक्रोनाइज होकर एक साथ चले। तो यहाँ पर जो 3 पोर्ट्स थे वो हमने यूज़ कर लिए है, बिकॉज यहाँ पर फ्रंट पे 3 फैंस मिल जाते हैं हमको उसके लिए। एल्स इसको पावर देने के लिए स्पेशली आपको जस्ट SATA केबल यूज़ करना है एंड मदरबोर्ड से यहाँ पर ARGB हेडर कनेक्ट करना है, जिससे कि आप अपने जो भी फेवरेट कलर इफेक्ट्स हैं उनको चला पाओ। बाकी यहाँ पर अगर मैं स्टोरेज प्रेफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर हम टोटल यहाँ पर 3 2.5 इंच के SSDs लगा सकते हैं। एल्स अगर आपको यहाँ पर कुछ और लगाना है, लाइक अगर आपको हार्ड ड्राइव लगानी 3.5 इंच की, तो यहाँ पर आपको 2 चॉइस मिलती है, एक नीचे यहाँ पर एंड एक इसके अपसाइड पे। बट यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा 2.5 इंच की मैंने SSD बताया वो आपके लिए ऑप्शन होने वाली है, बिकॉज उसके बदले आपको यहाँ पर 3.5 इंच की हार्ड ड्राइव कम लगानी होगी। यानी कि आप टोटल 3 लगा सकते हो, बट ऑप्शनल है एक यहाँ पर, एंड बाकी आपको यहाँ पर 2 मिलता है 3.5mm की, मतलब की जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसको लगाने के लिए। बाकी इसके जो गेमिंग कैबिनेट है वो टेम्पर्ड ग्लास के साइड में आता है इसका पैनल, एंड इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि यहाँ पर आप एक फुल ATX मदरबोर्ड लगा सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर आपको पावर सप्लाई श्राउड जो मिलता है वो पूरा ही क्लोज्ड मिलता है। तो यहाँ पर जिसके साइड में ना यहाँ पर एक ब्रैकेट प्लेट है, जिससे कि जो आपकी वायरिंग्स है वो अच्छी, मतलब स्मूथ आती दिखे, बेंट आपको दिखे ना कि वो कैसे, मतलब कि ट्विस्ट हो रही है। और बाकी इस गेमिंग कैबिनेट की अगर मैं बात करूँ कितने आप यहाँ पर फैंस को इंस्टॉल कर सकते हो, तो टॉप साइड पर आपके यहाँ पर हम 120mm के 2 फैंस लगा सकते हैं एंड 140mm के भी हम 2 ही फैन लगा सकते हैं। एंड रियर साइड पर एक सिंगल 120mm का फैन आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। एंड फ्रंट साइड पर हमको 3 120mm के फैन सपोर्टेड है एंड ऑलरेडी इसके अंदर वो तीनों लगे आए हैं। बट यहाँ पर अगर आपको 140mm की तरफ जाना है तो यहाँ पर आपको टोटल 2 फैन लगा सकते हो मैक्स टू मैक्स। इवनली इफ यू टॉक अबाउट द रेडिएटर कि आपको कितना लिक्विड कूलर सपोर्टेड है इस गेमिंग कैबिनेट के साथ में, तो टॉप साइड पर आप मैक्सिमम 280 तक लगा सकते हो, यानी कि 120 से लेकर 280 तक आप लिक्विड कूलर इस पे ऊपर फिट कर सकते हो। एंड फ्रंट साइड पर आप एक फुल 360mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हो एंड लोवेस्ट इज द 120mm। एंड इसी तरह से रियर साइड पर भी हमको सेम 120mm तक का लिक्विड कूलर सपोर्ट है एट मैक्स। और इस गेमिंग कैबिनेट की अगर मैं बेस की तरफ देखूँ ना, तो यहाँ पर हमको एडजस्टेबल मिल जाता है, यानी कि हम अपनी जो PSU क्लियरेंस है उसके लिए यहाँ पर हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं हमारी हार्ड ड्राइव के केज को। तो इस तरह से है ये। एंड बॉटम पे एक डस्ट फिल्टर मिल जाता है जो आपके पावर सप्लाई के अंदर डस्ट जाने से बचाता है, प्रिवेंट करता है थोड़ा सा उस चीज़ के लिए। और इस गेमिंग कैबिनेट का जो फ्रंट है यहाँ पर हमको पूरा मैश मिलता है, उसी के साथ में यहाँ पर हमें सिल्वर स्टोन की एक बैजिंग मिल जाती है। एंड बैजिंग के साथ में यहाँ पर हमको जो ये फ्रंट पैनल है इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, यानी कि मैश वाले पार्ट को पर्टिकुलर हमको पूरा फ्रंट पैनल निकालना होगा इसको क्लीन करने के लिए। और बाकी अगर मैं इसके टॉप पैनल की बात करूँ तो यहाँ पर हमको क्या इनपुट आउटपुट बोर्ड मिलता है, तो हमको यहाँ पर हमारा पावर बटन मिलता है, उसी के साइड में हमारा रिस्टार्ट बटन एंड हमारा LED बटन, हमारा जो यहाँ पर हब मिला है उसके अंदर कुछ डेडिकेटेड इफेक्ट्स होंगे उनके थ्रू कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी गेमर का यहाँ पर बजट कम है, ये उस बेसिकली उस चीज़ के लिए दिया हुआ है कि उनके पास कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता तो वो हब के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एल्स आगे की तरफ हमें यहाँ पर USB 3.2 के यहाँ पर 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं, उसके बाद हमारा माइक जैक एंड यहाँ पर हमारा हेडफोन जैक, ये 2 जैक के बाद यहाँ पर लास्ट में मिलता है हमारा टाइप सी पोर्ट। तो बेसिकली हम टाइप सी लगा सकते हैं फ्रंट पैनल के अंदर, एंड ये इस गेमिंग कैबिनेट की एक अच्छी बात है, इस बजट के अंदर हमको एक 3 प्री इंस्टॉल्ड फैन दे रहा है, ए विद दैट यहाँ पर हमको एक टाइप सी का हेडर भी मिल रहा है, तो ये एक बेस्ट चीज़ है इसकी। और एक और अच्छी चीज़ इस गेमिंग कैबिनेट की कि यहाँ पर जो इसका बैक साइड पर एक्सपेंशन स्लॉट्स है इसको भी हम रोटेटेबल है, यानी कि हम इसको मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंगली। अगर हमको हमारा ग्राफिक कार्ड वर्टिकल लगाना है तो हम वर्टिकल भी लगा सकते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल भी लगाना है तो उसके लिए भी ये बेस्ट चॉइस होने वाला है। बाकी 3 पिन इंस्टॉल्ड फैन तो मिलते हैं हमको ARGBs के साथ में, बट यहाँ पर हमको यहाँ पर स्ट्रिप भी मिलती है जो भी ARGB है एंड उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल इसका जो प्रेजेंस है
एस्थेटिक वे में, वो भी काफ़ी अच्छा है। इवनली ये 6 point something कुछ केजीज का आता है, तो मतलब कि एक अच्छा वेट होल्ड करता है मटेरियल, मतलब कि इसके अंदर क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है फॉर द प्राइस जो हम दे रहे हैं। एंड इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर है 5700 rupees, एंड ये मार्केट के अंदर आपको ईजिली मिल जाएगा। एंड आप डिस्क्रिप्शन की लिंक्स भी चेक कर सकते हो अगर आपको लाइक ये कैबिनेट बाय करना है और बाकी कुछ चीज़ जाननी है। एंड आप कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ें इसके अंदर बढ़िया लगी। उसी के साथ में आज की वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय।